नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में इससे पहले हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें हमने ग्रुप को डिस्कस किया है, ग्रुप की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को। आज के इस वीडियो में हम फाइनाइट ग्रुप का एक एग्जाम्पल कंसिडर करने वाले हैं और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। पहले उस सेट को फाइंड करते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेट ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब है वन, और वन का कौन सा रूट आपको फाइंड करना है, nth रूट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फाइंड करना है 1 to the power 1 by n, तो ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, 1 to the power 1 by n, मान लेते हैं कि ये वैल्यू आ रही है z। ठीक है, z मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो nth रूट्स होंगे, रूट्स जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम z से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने 1 to the power 1 by n को z ले लिया। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, आप अगर x भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों तरफ n पावर ले लीजिए तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, z to the power n = 1। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है और ये डिग्री n की इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं z to the power n - 1 = 0, दैट मीन्स ये nth डिग्री इक्वेशन है। आप जानते हैं कि अगर हम nth डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, n सॉल्यूशंस आएंगे, या फिर मैं कहूँ n ज़ीरोज़ होंगे इस इक्वेशन के, या फिर कह सकते हैं कि इसके n रूट्स। तो वो जो n सॉल्यूशन होंगे, जो भी यहाँ से आपको क्या मिलेगी, z की वैल्यूज़ मिलेगी। z की वैल्यूज़ कितनी मिलेगी, z1 z2, अगर आप उनकी नेमिंग करें तो आपको z1 से लेकर zn तक, z1 z2, इस तरीके से आपको ये n सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आपको 1 to the power 1 by n को आपने z अज्यूम किया, दैट मीन्स आपको z ही तो फाइंड करना है। तो इसको जब हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमें पता चला कि कितने जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो एन। अगर आपको nth रूट निकालना है तो जेड की एन वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इसके कितने रूट्स निकलेंगे, एन रूट्स निकलने वाले। ठीक है, अब हम उनको फाइंड करते हैं किस तरीके से, कि कैसे उन रूट को निकालना है। तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो मैंने ये लिखी है, पावर एन करने के बाद जो मिली है, z to the power n = 1। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो फॉर्म्स होती है, या तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी पावर है, किसी की भी पावर लेनी है आपको, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म ज़्यादा यूज़फुल रहता है, पोलर। तो मैं पोलर फॉर्म में आगे प्रोसीड करने वाली हूँ। तो देखिए, पोलर फॉर्म में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से लिखते हैं, अगर आपके पास जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कार्टेशियन फॉर्म तो है उसका a + ib, एंड पोलर फॉर्म है r (e)(i θ), जहाँ पर r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, एंड थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, या फिर मैं सिंपली ये कहूँ कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो r तो क्या हो गया, ओरिजिन से ये लेंथ, ये तो क्या है r, या फिर मॉड जेड जिसको हम कहते हैं, और ये जो एंगल है, एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेज़र करना है, ये एंगल क्या कहलाएगा, थीटा। ठीक है, अगर वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम एंगल को मेज़र करेंगे एंटी क्लॉकवाइज से, और अगर वो थर्ड और फोर्थ में लाई कर रहा है तो हम इस डायरेक्शन से मेज़र करेंगे और नेगेटिव साइन को कंसिडर करते हुए आप चलेंगे। आपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना अगर आप जानते होंगे तो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, वन को लिखना चाह रहे हैं हम, तो वन का तो बिल्कुल ही सिंपल है, वन के लिए मॉडुलस कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, क्योंकि वन जो है, अगर आप देखें तो वन कहाँ पे लाई कर रहा है, वन तो एक रियल नंबर है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव, और है भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइड में लाई करेगा। तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 1, और एंगल कितना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, 0। तो इसका मतलब हो गया आर तो आ गया 1, एंड थीटा कितना आ गया, 0। तो 1 को जब आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे r(e)i θ, तो कितना हो जाएगा, 1 e^(i)(0), ये 1 का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं z to the power n = 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 e^(i)(0). अब यहाँ पर इसको लिखने का कुछ पर्पज़ है। अब अगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट 1 by n ले लूँ पावर, क्योंकि मुझे जेड फाइंड करना है, तो जेड कैसे मिलेगा, जब आप वापस पावर क्या ले लेंगे, 1 by n, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन 1 by n जैसे ही मैं लूँ यहाँ पर, आप लेके देखिए,
तो मुझे यहाँ पर लेने पे तो मुझे एक ही सिंपल वैल्यू मिली, 1 की पावर 1 बाय n, दैट इज़ 1। तो इसका मतलब मुझे एक ही वैल्यू मिल रही है, लेकिन हमको कितने रूट्स फाइंड करने हैं, n रूट फाइंड करने हैं। तो n रूट फाइंड करने हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंज करूँगी। e आईटा टाइम्स 0, ये तो ऐसे ही लिखिए। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2k पाई से। देखिए इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस टर्म को अगर मैं खोलूँ तो ये क्या आएगी, cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। 2k पाई पर कॉस की वैल्यू 1 होती है और साइन पाई का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये तो आपको 0 देगा और ये आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसकी वैल्यू 1 है, तो वो कर सकते हैं हम, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1e रेज टू द पावर iota 2k पाई, वो तो 1 ही है इसकी वैल्यू तो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब आप लीजिए 1 बाय n पावर, तो z की पावर 1 बाय n लेंगे, तो n है यहाँ पर ऑलरेडी और इस n बाय n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा z और राइट हैंड साइड में होगा आयोटा 2k पाई बाय n, ठीक है। अब यहाँ पर k की वैल्यू को आप वेरी कर सकते हैं, k कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर, हमको कितनी वैल्यूज़ चाहिए उस पर डिपेंड करेगा, हमको n रूट्स चाहिए, z की कितनी वैल्यूज़ चाहिए n, तो मैं k को वेरी करूँगी 0, 1, 2 अप टू n-1, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये e रेज टू द पावर iota, जब इसको हम खोलेंगे तो ये कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन होगा, और कॉस और साइन कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर खोला। तो k की जब हाई वैल्यू लेंगे, n माइनस 1 से ऊपर भी जाएंगे आप, n n+1, तो उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा। सिर्फ इतनी वैल्यूज़ पर आपको क्या मिलेगी, डिस्टिंक्ट z की वैल्यूज़ मिलेगी। मैंने 0 से n माइनस 1 तक ही कंसीडर क्यों की है, क्योंकि इसके बाद अगर आप वैल्यू कंसीडर करेंगे तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इसको हम अगर एक्सपेंड करें तो वो कॉस और साइन की फॉर्म में खुलेगा, और कॉस और साइन पीरियोडिक होते हैं, तो उसके बाद अलग वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपको कितने डिस्टिंक्ट रूट्स मिलने वाले हैं, n रूट्स मिलने वाले, और k की वैल्यू आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, फ्रॉम 0 देन 1, 2, इस तरीके से पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला रूट निकालते हैं। तो पहले क्या रखेंगे, फॉर k इक्वल टू 0, तो आपको पहला रूट मिल जाएगा, उसको हम z1 बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0 रखेंगे तो e रेज टू द पावर iota टाइम्स 0, तो वो 1 मिलने वाला है, ठीक है। फिर हम रखेंगे फॉर k इक्वल टू 1, उसके लिए हमें सेकेंड रूट मिल जाएगा e iota 2 पाई बाय n। तो ये वाला रूट, इसको जब आप खोलेंगे cos 2 पाई, देखो n की आपको कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, तो n जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया सेकेंड रूट। इन द सेम वे आप क्या कर सकते हैं, nth रूट निकालेंगे। nth रूट आएगा जब आप n माइनस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तब आपको zn मिलेगा, और वो होगा e रेज टू द पावर iota n-1 पाई बाय n, और 2 भी है साथ में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जब आप खोलेंगे तो cos 2n-1 पाई बाय n प्लस i साइन 2n-1 पाई बाय n, इस तरीके से हम nth रूट फाइंड कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया, तो ये हमने सब nth रूट फाइंड कर लिए। nth रूट का फॉर्मूला क्या आ गया, e रेज टू द पावर iota 2k पाई बाय n, ठीक है। अब हम ये दिखाएंगे कि ये जो सेट है ये ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे पास रूट्स क्या आए हैं, जेड की वैल्यू आई है e रेज टू द पावर iota 2k पाई बाय n, ठीक है। और मैं अगर ये सेट बना देती हूँ, इसमें फर्स्ट तो 1 आ रहा है और सेकेंड वैल्यू आ रही है, जब हम k की जगह 1 रखेंगे तो 2 पाई बाय n iota e रेज टू द पावर iota, जब 2 रखेंगे तो 4 पाई बाय n, इस तरीके से e रेज टू द पावर iota n-1 ट्वाइस पाई बाय n। ये n रूट्स है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर कोई भी, पहले हमको क्या चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपको पहले नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो नॉन एम्प्टी है। आप कोई भी दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट इसी में रहना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं दो एलिमेंट लूँ तो वो किस फॉर्म के, इसी फॉर्म के हैं, ठीक है। तो इनमें से जैसे इन दो को ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो इन दो को जब आप ज्वाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो e रेज टू द पावर iota 2 पाई बाय n 4 पाई बाय n, तो ये तो सिंपली 6 पाई बाय n बन जाएगा, तो फिर से यहाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कोई भी आप दो एलिमेंट लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, चलिए आप, ठीक है, i 2 पाई बाय n टाइम्स e रेज टू द पावर iota 2 n-1 पाई बाय n, इनको हम कंबाइन कर रहे हैं। तो जब आप कंबाइन करेंगे तो आयोटा 2 पाई बाय n, ये तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1
प्लस एन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है ई रेज टू द पावर आयोटा टू पाई, और जब आप इसको खोलेंगे कॉस टू पाई प्लस आयोटा साइन टू पाई वो तो कितना होता है वन, इसका मतलब रिजल्ट कितना आ रहा है वन। तो आप कभी भी दो, क्योंकि हर एलिमेंट इस फॉर्म का है, और इस टाइप के आप दो एलिमेंट लीजिए, इन जनरल क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे दिखाएंगे कि इस तरह के दो एलिमेंट लेंगे, यहाँ के वन ले लो और के टू ले लो, ठीक है, तो फिर से आपको जो थर्ड एलिमेंट मिलेगा, जो रिजल्टेंट मिलेगा, वो इसी सेट में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। दूसरी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्यों होल्ड होगी, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, बस आपको इतना ध्यान रखना है। थर्ड, आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगी वन, तो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर आपको क्या देखना है, इन्वर्स देखना है। इन्वर्स कैसे देखेंगे, जैसे इस एलिमेंट वन का इन्वर्स निकालना है, तो वन तो आइडेंटिटी है, तो वन का इन्वर्स वन होगा। इस एलिमेंट का इन्वर्स निकालना है, मतलब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे क्या मिले, यूनिटी मिले, ठीक है। इन्वर्स कैसे, ए का इन्वर्स बी होगा अगर ए इंटू बी वन मिले, ठीक है। तो इस एलिमेंट का इन्वर्स क्या होगा, अभी हमने देखा कि इस ई रेज टू द पावर आयोटा टू पाई बाय एन, इसको हम लास्ट वाले एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन मिल रहा है, इसका मतलब सेकेंड एलिमेंट और जो लास्ट में लिखा है वो एलिमेंट इन्वर्स टू ईच अदर है। अब मुझे मान लो ई रेज टू द पावर आयोटा फोर पाई बाय एन का निकालना है, ठीक है, ई रेज टू द पावर आयोटा 4 पाई बाय एन का इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट होगा वो शायद इसके इन्वर्स का काम करेगा। देख लेते हैं एक बार, 2 सेकेंड लास्ट एलिमेंट होगा, n माइनस टू रखने पे मिलेगा। अब इन दोनों को आप कंबाइन करिए, यहाँ पर 2 पाई बाय एन तो कॉमन आ जाएगा, 2 पाई बाय एन कॉमन ले लिया मैंने, इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो n माइनस टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको वन मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों इन्वर्स एक दूसरे के हैं। तो अब हमें पता चल गया कि इस सेट में जैसे एलिमेंट लिखे हैं ना, तो ये तो सेल्फ इन्वर्टेबल है, जो सेकेंड एलिमेंट है उसका लास्ट वाला एलिमेंट इन्वर्स है, ठीक है। यहाँ से आप ये वाला पिक करेंगे तो सेकेंड लास्ट, इस तरीके से पेयर बनने वाले हैं। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी आपको मिल गया। तो इस तरीके से ये क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। क्या ये अबेलियन ग्रुप बनेगा, तो अबेलियन ग्रुप भी बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स जो है फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, बेसिकली स्टार की जगह हम डॉट रखेंगे यहाँ पे, तो कम्यूटेटिव ग्रुप बन रहा है। तो जो ये सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी है, ये क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप बन गया, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी में फाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए ये किसका एग्जांपल है, फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ पर्टिकुलर केस कंसीडर किए हैं। पहला मैंने देखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब n की जगह हम 3 रखें तो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है 1 रेज टू द पावर 1 बाय 3, ठीक है। और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या, ई रेज टू द पावर आयोटा 2 के पाई बाय एन। तो यहाँ पर अब इस बार आपको एन की जगह क्या रखना है, 3, और के की जगह क्या वैल्यू आएगी, के को आपको 0 से ही शुरू करना है, 0 1 अप टू एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, और 3 वैल्यू आएगी बिकॉज थर्ड रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, तो 0 1 2 कंसिडर करेंगे तो हमको 3 रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे के की जगह 0 रखिए तो पहला रूट मिलेगा 1, के की जगह 1 रखोगे तो 2 पाई बाय 3, और जब 2 रखोगे तो 4 पाई बाय 3। तो इस तरीके से ये 3 रूट मिल गए। इसको फिर आप खोल सकते हैं, तो cos 2 पाई बाय 3 प्लस i sin 2 पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3। तो पाई माइनस पाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहेगा, और cos 60 पे आपको वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 1 बाय 2, साइन तो पॉजिटिव रहेगा और वैल्यू आएगी आयोटा रूट 3 बाय 2। तो ये आ गया सेकेंड रूट। थर्ड में आपको क्या करना है, 4 पाई बाय 3 पे निकालनी है। 4 पाई बाय 3 किस तरीके से खुलेगा, पाई प्लस पाई बाय 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos 4 पाई बाय 3 मतलब पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाय 3। ये सब आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा होगा, ठीक है, डी मॉयवर्स थ्योरम, और जो जहां हम ये फाइंड करते हैं, ये सब कैलकुलेशन सीखते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई प्लस पाई बाय 3 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और वहाँ पर भी कॉस नेगेटिव है तो माइनस 1 बाय 2, साइन भी वहाँ नेगेटिव है तो आयोटा रूट 3 बाय 2। तो ये क्या हो गया, थर्ड रूट हो गया। तो ये 3 वैल्यूज़ हो गई, 1 और ये 2 वैल्यूज़। तो हम देख रहे हैं कि थर्ड रूट ऑफ यूनिटी जब हम फाइंड कर रहे हैं तो एक तो रियल रूट आ रहा है, और दो कैसे आ रहे हैं,
कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों रूट मिलके क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। यहाँ पर मैंने उनको बोला है ओमेगा वन, ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। पहला रूट आ गया माइनस वन एंड अदर इज माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू। माइनस वन बाई टू यहाँ पे भी माइनस होना था, यहाँ पे गलती से मैंने प्लस लिखा है, नहीं यहाँ पे है, ठीक है, ये माइनस, तो माइनस वन एंड माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू, ये दोनों के साथ लगा हुआ है। तो ये आपके पास तीन एलिमेंट हो गए, ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री। ये क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। यहाँ पर हमने टेबल के थ्रू दिखाया है। टेबल में कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप जो इस सेट को, जैसे अपन को ग्रुप दिखाना है तो फाइनाइट सेट को जब भी आपको ग्रुप प्रूव करना होता है तो आप टेबल बना के दिखा सकते हैं। आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट को अरेंज करना है रो में और कॉलम में भी अरेंज करना है। उसके बाद उन जो भी ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, फिर आपको बाकी जो टेबल में एंट्री कैसे करेंगे उनको ऑपरेशन को यूज़ करके, जैसे ओमेगा वन इंटू ओमेगा वन, दैट मीन्स वन इंटू वन, तो वो ओमेगा वन मिलेगा। ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू, ओमेगा वन की क्या वैल्यू है, वन, तो वन जब आप यहाँ वन से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सेम ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। ओमेगा टू को ओमेगा वन से करेंगे तो ओमेगा टू, ओमेगा टू को ओमेगा टू से कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, ओमेगा थ्री। इस तरीके से ये आप इजीली देख सकते हैं, हमारे पास एलिमेंट है तो इनको मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा वन का इन्वर्स कौन है, क्योंकि ये वन आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका इन्वर्स खुद है ये। और ओमेगा टू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ओमेगा वन, तो ओमेगा टू का इन्वर्स देखना है यहाँ पर। तो देखिए इसकी रो में आप देखिए, इस रो में आप चेक करिए, तो यहाँ पर हमको ओमेगा वन इस पे मिल रहा है, मतलब आइडेंटिटी कब मिल रही है, जब ओमेगा टू को ओमेगा थ्री से मल्टीप्लाई करें। जब ओमेगा टू को ओमेगा थ्री से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओमेगा वन मिल रहा है, इसका मतलब ओमेगा टू एंड ओमेगा थ्री आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया ग्रुप, आपको एक ग्रुप मिल गया विद थ्री एलिमेंट्स, ठीक है। ये फाइनाइट ग्रुप है तीन एलिमेंट के साथ। अब मैंने नेक्स्ट यहाँ पर लिया है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स वन रेज टू द पावर वन बाय फोर। और इसके जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो वो क्या आएंगे, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। वही फॉर्मूला ई रेज टू द पावर टू के पाई बाय फोर इस बार रखेंगे, टू के पाई आयोटा भी आपको रखना है, ठीक है। के की वैल्यू हम लेंगे ज़ीरो, वन, टू एंड थ्री, ठीक है। ज़ीरो लेंगे तो वन मिल जाएगा, जब आप वन लेंगे तो क्या मिलेगा, e रेज टू द पावर टू पाई बाय फोर आयोटा, टू से ये कैंसिल हो गया, मतलब e रेज टू द पावर आयोटा पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू। कॉस पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो, आई साइन पाई बाय टू, दैट मीन्स आयोटा। फिर हम टू लेंगे और थ्री लेंगे, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो ये आएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, इन रूट्स को याद रखना है, मतलब थर्ड रूट ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी जो है वो भी आपको याद कर लेना, एक बार जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद आप याद रख सकते हैं। और वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, ये तो बिल्कुल ईजी, आयोटा टू द पावर फोर भी वन मिलता है, माइनस आयोटा टू द पावर फोर भी वन मिलता है, मतलब ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बन रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में क्या है, दो तो रियल रूट्स मिल रहे हैं और दो कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो हमेशा पेयर में मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स रूट कैसे मिलेंगे, एक मिल गया तो दूसरा कैसे मिलेगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो बस। जैसे पहला वाला देखिए आप, इससे पहला जो देखा, एक सेकंड, जैसे यहाँ पर आप देखिए रियल पार्ट तो सेम है, बट जैसे माइनस वन बाई टू यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस वन बाई टू, यहाँ आयोटा के साथ रूट थ्री बाई टू है, तो यहाँ पर आप क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस रूट थ्री बाई टू लेना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट ए प्लस आई बी और दूसरा आ जाएगा ए माइनस आई बी, इस तरीके से रूट्स आएंगे पेयर में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स रियल तो कैसे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स आ गए, एक वन तो आना ही है, वन तो रूट आएगा ही हर बार, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स आएंगे और फिर एक ही बचा, तो एक वो फिर कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आएंगे, तो फिर दो को रियल होना पड़ेगा। तो जब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो वहाँ हमारे पास क्या है, एक वन बनेगा और दो कॉम्प्लेक्स, तो फिर चार बच रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दो कॉम्प्लेक्स और दो कॉम्प्लेक्स बने, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि चारों कॉम्प्लेक्स आए, ठीक है, नॉट नेसेसरी बट हम कह सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। जैसे सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी देखना है तो एक तो वन आएगा, बाकी कितने बचे, पाँच, तो पाँच में से दो पेयर भी अगर हो जाए तो फिर भी एक बचेगा, तो कम से कम दो तो हमारे पास रियल रूट होंगे, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो रियल रूट होंगे, इस तरीके से आप जानते होंगे, ठीक है।
तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखा है यहाँ पर। वन का इन्वर्स आपको देखना है, तो वन माइनस वन को मैं माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तब मुझे वन मिलेगा, राइट। इसका मतलब माइनस वन का इन्वर्स क्या हो गया, माइनस वन। आयोटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वन मिले, तो आयोटा को मैं अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे माइनस वन मिलेगा, तो मुझे किससे करना पड़ेगा, माइनस आयोटा से। इसका मतलब आयोटा एंड माइनस आयोटा आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो वन और माइनस वन जो है वो तो सेल्फ इन्वर्टेबल है, और आयोटा और माइनस आयोटा क्या है, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरीके से ये फोर्थ ऑर्डर का ग्रुप बन गया। तो आपसे अगर फोर्थ ऑर्डर के ग्रुप का कुछ आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस एग्ज़ाम्पल को काम में ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम्पल से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो है, जो भी उसके बारे में पूछा है वो यहाँ से निकाल के देख लूँ। तो इस तरीके से आपको ग्रुप ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।